नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में दोस्तों। और आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों रायबरेली फिरोज़ गांधी कॉलोनी। और काफ़ी पुरानी कॉलोनी है दोस्तों ये, और यहाँ पर अधिकतर व्यापारी ही रहते हैं। और यहाँ के व्यापारी सुपरमार्केट, घंटाघर, गांधी कॉलोनी के ही जस्ट बगल में है दोस्तों BSNL का ऑफिस। और यहीं पर लगता है दशहरे का सबसे बड़ा मेला रायबरेली का। और यहाँ पर है बस्तेपुर बाज़ार, झूलेलाल मंदिर और गुरुद्वारा। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं फिरोज़ गांधी। तो सामने है दोस्तों महिंद्रा एजेंसी, और अब हम चलेंगे आपको फिरोज़ गांधी कॉलोनी के अंदर लेके। तो ये है दोस्तों रायबरेली की फिरोज़ गांधी कॉलोनी, और यहाँ पर बहुत ही VIP घर बने हुए हैं। और इसी कॉलोनी के जस्ट बगल में लगती है बस्तेपुर की बाज़ार, और लगता है रायबरेली का सबसे बड़ा मेला दशहरे में। और इस समय हम फिरोज़ गांधी कॉलोनी के अंदर, आप नीचे देख रहे हैं काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल है और बहुत ही अच्छे घर बने हुए हैं। और इस जगह पर होता है सत्संग। और अब हम बढ़ रहे हैं बस्तेपुर बाज़ार की तरफ, और ये बगल में है झूलेलाल मंदिर। और अब हम चल रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ, दिखाएंगे आपको फिरोज़ गांधी के अंदर का गुरुद्वारा। और ये है सामने फिरोज़ गांधी कॉलोनी में गुरुद्वारा। घर देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छे और खूबसूरत घर बने हुए हैं कॉलोनी के अंदर, और बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल है दोस्तों। और रायबरेली के अंदर के यहाँ पर सुपरमार्केट और बहुत सारी मार्केट में व्यापार करने वालों के घर इसी कॉलोनी के अंदर हैं दोस्तों। और अब हम बढ़ रहे हैं बस्तेपुर बाज़ार की तरफ। ये है सामने BSNL ऑफिस, और ये है बस्तेपुर बाज़ार। और ये बाज़ार दोस्तों लगती है हफ्ते में 2 दिन, मंगलवार और शनिवार को। शाम का समय है और अब यहाँ पर बाज़ार में धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी, और यहाँ आपस आस पड़ोस के लोग, फिरोज़ गांधी, मलिक मऊ और गोरा बाज़ार के लोग यहाँ पर सब्ज़ी खरीदने आते हैं। और यहीं पर लगता है दोस्तों बस्तेपुर का मेला जो दशहरे में लगता है। और ये है कृषि विभाग का ऑफिस दोस्तों, और यहाँ पर बीच में थोड़ा सा गैप दे करके फिर से शुरू होती है बाज़ार। और ये बाज़ार दोस्तों गोरा बाज़ार चौराहे तक लगती है। आ जाओ,
और अब हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों गोरा बाजार चौराहे पर। खूबसूरत मंदिर है, तो ये थी दोस्तों बस्तेपुर बाज़ार और अब हम पहुंच रहे हैं गोरा बाज़ार में। तो सामने आप देख रहे हैं ये गोरा बाज़ार चौराहा है। तो ये थी दोस्तों रायबरेली फिरोज गांधी कॉलोनी और ये कॉलोनी पड़ती है सिविल लाइन के जस्ट बगल में और इस समय हम खड़े हुए हैं फिरोज गांधी कॉलोनी के टंकी के सामने। आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे ये है फिरोज गांधी कॉलोनी पानी टंकी। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि रायबरेली से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं और साथ ही सभी देखने वालों को धन्यवाद।